अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनी मार्केट कुक विद डॉक्टर अलीशा में। आज हम बनाएंगे डोमिनोज की एक बहुत ही फेमस और सबकी फेवरेट रेसिपी जो कि है गार्लिक ब्रेड। और आज के इस गार्लिक ब्रेड को हम एकदम सिंपल और इंस्टेंट तरीके के साथ बना रहे हैं, जिसमें हम डो की जगह यूज़ करेंगे अपना नॉर्मल ब्रेड। और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी रहेगी और अंदर से एकदम चीज़ी, और बहुत आसान है इसे बनाना। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस रेड कलर बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद इस बेल को ज़रूर बजाएं ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे अपना होममेड गार्लिक बटर। तो उसके लिए मैंने यहाँ ली हैं 8 से 10 कलियाँ लहसुन की। और अब हम क्या करेंगे कि अपने इस लहसुन को ना इस तरह से अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो इसे हमें बारीक वाली साइड से कद्दूकस करना है। तो मैंने ये सारे लहसुन को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम लेंगे एक बोल और इसमें डाल देंगे अपना ये कद्दूकस किया हुआ लहसुन। अगर हम चम्मच के हिसाब से मेजर करें तो ये 2 बड़े चम्मच लहसुन है। और अभी इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और एंड में अब हम इसमें डालेंगे बटर। तो मैंने यहाँ 50 ग्राम नॉर्मल अमूल बटर यूज़ किया है। ये आपको किसी भी मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें कोई भी नमक ऐड नहीं करना है, क्योंकि बटर में अपना नमक होता है, तो इसमें हम कोई भी नमक ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा ये होममेड गार्लिक बटर तो हो गया तैयार। अब हम बनाएंगे अपनी गार्लिक स्टिक्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं 2 ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने इस तैयार बटर को ना इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से अच्छे से लगा देंगे। तो पूरे अच्छे से स्प्रेड करके हमें सारी साइड्स के ऊपर लगा देना है इस बटर को, और बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे हम अपने इस बटर की। तो दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरह से हम अच्छे से बटर लगा देंगे। और जैसे मैंने आज यहाँ ब्राउन ब्रेड यूज़ की है, इसकी जगह आप चाहें तो इसमें वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों स्लाइसेस के ऊपर हमने अच्छे से बटर लगा दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला चीज़, जिसे हम पिज़्ज़ा चीज़ भी बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने इस चीज़ को एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो अच्छे से स्प्रेड करेंगे हम पूरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर, और जितना भी चीज़ी फ्लेवर आपको पसंद है उतना चीज़ आप अपनी ब्रेड स्लाइस पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ को लगा दिया हमने इसके ऊपर। और इसके बाद मैंने यहाँ लिए हैं थोड़े से उबले हुए कॉर्न्स, ये नॉर्मल फ्रोज़न कॉर्न्स हैं। तो इसे भी हम अपनी ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरह से रख देंगे। और इसके बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है मेरे पास, इसे भी मैं लगा दूंगी इसके ऊपर इस तरह से। आप चाहें तो इसमें थोड़े से ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, या इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और एंड में मैंने यहाँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, इसे भी रख देंगे हम अपनी इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब मैं थोड़े से ये मिक्स्ड हर्ब्स ले रही हूँ, इसे हम स्प्रिंकल कर देंगे। मिक्स्ड हर्ब्स की जगह आप चाहें तो इसमें ऑरेगैनो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे भी स्प्रिंकल किया हमने। अब हम इस दूसरी ब्रेड स्लाइस के साथ इसे कवर कर देंगे और हल्का हल्का इसे प्रेस कर देंगे। और इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर की तरफ भी अब हम अपना ये गार्लिक बटर लगा देंगे। तो इस तरह से अच्छे से लगा देंगे इस बटर को हम। तो हमारा ये एक ब्रेड तैयार है, अब हम इसे सेक लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक तवे को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम हॉट गर्म है ये तवा इस टाइम पर। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और अपना ये ब्रेड लेंगे, और जिस साइड पे हमने बटर लगाया है उसे रख देंगे हम नीचे की तरफ कुछ इस तरह से। और ऊपर की तरफ भी अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये बटर लगा देंगे। तो अच्छे से लगा देंगे हम अपने इस बटर को। बटर लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये हमारे इस गार्लिक ब्रेड को ना बहुत ही अच्छा कलर देगी, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला हमने इसके ऊपर, और एंड में थोड़े से मैं मिक्स्ड हर्ब्स और स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑरेगैनो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके ऊपर। और अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे और इसे लो फ्लेम के ऊपर सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, या तब तक जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए पकाया है। अब हम इसे एक बार पलट के इसकी साइड को चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसके ऊपर, एकदम से क्रिस्पी भी हो गई है ये इस साइड से। और अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे और इसे लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे, जब तक कि दूसरी साइड अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और हमारा ये जो चीज़ है ना ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए और पका लिया है। अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड से भी चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर आया इसका इस साइड के ऊपर, क्योंकि हमने इसमें ये जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल किया था ना, उस वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया है। तो गार्लिक ब्रेड अब हमारी तैयार है। अब हम इसे एक बोर्ड पर निकाल लेंगे
और अब हम इसे कट कर लेंगे, तो किसी भी पिज़्ज़ा कटर या चाकू से आप इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टिक्स की फॉर्म में हम इसे कट कर लेंगे, जैसे हम अपनी गार्लिक ब्रेड को कट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये गार्लिक स्टिक्स तैयार है, और बाहर से ये जो स्टिक्स है ना वो एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से एकदम चीज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है हमारी ये गार्लिक स्टिक्स। और आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाने में, और आप इसे किसी भी मेयो डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इस मेयो डिप की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके उसे भी चेक कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।